अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। गुड मॉर्निंग। अच्छा जनाब, अभी मैं उठी हूँ सहरी बनाने के लिए। मैंने कहा क्यों ना आज व्लॉग भी रिकॉर्ड किया जाए, सहरी से अफ्तारी तक की अपनी रूटीन आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। अभी जनाब मैं जाग रही थी, क्योंकि मैं जो हूँ, मेरी हमेशा रमज़ान में ये रूटीन होती है, मैं सहरी के बाद फजर की नमाज़ पढ़ के फिर मैं सोती हूँ, फिर मैं जो हूँ ना 7-8 घंटे की अपनी नींद पूरी कर उठती हूँ, और उससे पहले जो है मैं जाग रही होती हूँ। मैं नहीं सोती क्योंकि मुझे पता होता है कि अगर मैं अभी सो गई, हस्बैंड मेरे सो जाते हैं, उन्होंने सुबह काम पर जाना होता है, तो फिर उनको जो है रेस्ट करने का मौका नहीं मिलता, वो सो जाते हैं गहरी नींद, और कोई अलार्म वगैरह मैं उनका नहीं लगाती, मैं खुद एक अलार्म हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है, जिम्मेदारी का एहसास होता है कि भाई अब मैंने उठना है, सहरी बनानी है। तो बच्चे कभी अमूमन मेरे साथ जाग रहे होते हैं, नहीं तो वो भी सो जाते हैं। आजकल उनके पेपर चल रहे हैं, तो एक दिन छुट्टी होती है, एक दिन पेपर होता है, तो जिस दिन छुट्टी होती है वो भी जाग रहे होते हैं मेरे साथ, और जिस दिन पेपर होता है तो उस दिन मैं उनको भी सुला देती हूँ, मैं अकेली जाग रही होती हूँ, कोई मोबाइल वगैरह यूज़ करने लग जाती हूँ, कुछ ना कुछ वीडियोस मैं देख रही होती हूँ, और या फिर मेरा कोई व्लॉग एडिट करने वाला होता है तो वो करने लग जाती हूँ। अभी जनाब 3:30 हो रहे हैं और मैं उठी हूँ। उठ के सबसे पहले जो है मैं नवाफिल अदा करती हूँ, नफिल पढ़ने के बाद जो है फिर मैं अपनी सहरी स्टार्ट करती हूँ बनाना। अब जनाब नफिल जो है मैंने पढ़ ली है, अब मैं बनाने लगी हूँ सहरी। मैंने कहा क्यों ना आज व्लॉग भी रिकॉर्ड करके आप लोग के साथ शेयर किया जाए, और हस्बैंड मेरे सो रहे हैं लेकिन बच्चे मेरे जाग रहे हैं, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। अच्छा जनाब, टाइम जो है ये हो रहा है, ठीक है 4:45 होने लगे हैं और मैं बनाने लगी हूँ सहरी। बच्चे जो हैं मेरे, ये देखें इस तरीके से बैठे हुए अपने मोबाइलों में लगे हुए हैं, इन्होंने भी रोज़ा रखना है, रोज़ा रखेंगे और नमाज़ पढ़ के फिर ये सोएंगे। अभी मैं सहरी बनाती हूँ और आसिम को उठाती हूँ, फिर हम करते हैं सहरी, और ये अभी सहरी करेंगे, फिर नमाज़ पढ़ेंगे, फिर सोएंगे, क्योंकि इनकी कल छुट्टी है। आज फाइनली हमने मच्छरों का इलाज ढूँढ लिया है। अच्छा, घर में कितना भी स्प्रे कर लो ना, एक आध मच्छर तंग करता ही था, ये बड़ा ज़बरदस्त है यार। कब से इसके अंदर से ना कड़क कड़क आवाज़ें आ रही हैं, मच्छर मर रहे हैं इसके अंदर, फिर मक्खी वगैरह वो भी इसके अंदर ही आके मर जाती है, ज़बरदस्त। अब मच्छर आपकी पहुंच से दूर रहने पे मजबूर। अच्छा जनाब, ये चनों का सालन है जिससे आज हमने सहरी करनी है। अब जनाब मैं बनाती हूँ पराठे साथ। अच्छा जनाब, ये देसी घी है, ये मैंने ना खुद घर पर बनाया है सारा, ये भी मैंने ताज़ा ताज़ा सारा देसी घी बनाया है। देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है माशाल्लाह से, घर की चीज़ों की बात ही अलग होती है, ज़बरदस्त है। अब मैं ये लगाती हूँ उसके ऊपर, अच्छा मैं, ये मेरी रोटी है, मैं जो ना अंदर घी नहीं लगाती हूँ, मैं सिर्फ ऊपर घी लगाती हूँ ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, बाकी सबके जितने भी पराठे बनते हैं ना उसके फिर मैं अंदर घी लगाती हूँ, लेकिन अपनी रोटी के अंदर घी नहीं लगाती मैं। यम्मी, कड़क कड़क पराठा रेडी है। यहाँ पर मैंने सूरह रहमान चलाई हुई है। अच्छा, मुझे माशाल्लाह इतनी आदत है तिलावत सुनने की कि सूरह रहमान मुझे तो है ना जुबानी याद है। अब नाम डाल लें आप, ठंडा है। अच्छा जनाब, यहाँ जो है मेरी मेड आ गई थी, वो धो रही थी बर्तन, और किचन में हम दोनों लगी हुई थी, मैं उसके लिए रोटी बना रही थी क्योंकि उसका रोज़ा नहीं था, और वो बेचारियाँ सारा दिन घरों में काम करती हैं, तो रमज़ान में जो है उन्होंने कहीं से खाना खाया होता है, कहीं से नहीं खाया, तो यहाँ मैं उनकी उसके लिए रोटी बना रही थी। और जनाब ये रही मैं, मैंने कहा थोड़ी सी अपनी शक्ल का भी किचन में दीदार करवा दूँ। अच्छा जनाब, यहाँ पे मैंने अब उसके लिए टेबल पे खाना लगा दिया, मैंने उसे कहा कि बर्तन धोकर जो है ना आ जाओ जल्दी से खाना खा लो, और फिर जनाब मैं उसके बाद जो है अब अपनी अफ्तारी की तैयारी करने लगी हूँ। बच्चे जो हैं यहाँ पर मेरे सो गए थे, अब जनाब मैं बनाती हूँ अफ्तारी।
अच्छा जनाब, अफ्तारी में यहाँ पर मैंने जो है ना पुलाव बनाने लगी हूँ, खाली सिंपल आलू मटर का। वैसे तो मेरा दिल था लेकिन मटर इस टाइम पर मेरे पास नहीं थे, तो आलू का पुलाव बनाने लगी हूँ यहाँ पर। ऑलिव ऑयल, अच्छा जनाब ऑयल मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, ऑलिव ऑयल मैंने कहा आप लोग से शेयर कर दूँ। चावल मैंने भिगो के रख दिए हैं और मैं मसाला भी इसका तैयार कर रही हूँ चावलों का। और साथ में जो है मैंने यहाँ पर टैंग निकाला हुआ, टैंग बनाने लगी हूँ। और साइड पर जो है मैंने पालक और आलू प्याज वगैरह तैयार करके रखे हैं। इसमें जनाब मैं पकौड़ों का मिक्सचर बनाऊंगी। अच्छा जनाब, टैंग में मैंने चीनी वगैरह ऐड कर दी, उसके बाद ये थादल शरबत है, बहुत ज़बरदस्त है, पिस्ते बादाम वाला है और ये आपके मैदे को जो है ठंडा कर देता है। तो इसे थोड़ा सा मैं ना टैंक के अंदर ऐड करूँगी, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। ये जो है मैंने थोड़ी सी रोटी जो है चूरा करके रखी हुई है, ये ऊपर मैं परिंदों को डालती होती हूँ। मैं जब भी मेरी आदत है मैं अपने लिए रोटी बनाती हूँ ना, तो मैं एक रोटी परिंदों के लिए बनाती हूँ, उनको मैं इस तरीके से ऊपर लाजमी डालती हूँ। और जनाब यहाँ पे जो है मेरा पुलाव का मसाला तैयार हो रहा है और साथ में जो है मैं पकौड़ों का मसाला बस तैयार करने लगी हूँ। जूस मैंने जो है उसमें मैंने टैंग वगैरह डाल के रख दिया है ताकि उसकी चीनी जब तक खाल हो जाए। और ये रही मैं लगी हुई हूँ कामों में, बच्चे मेरे सो रहे हैं। जनाब पुलाव का मसाला यहाँ मेरा रेडी हो रहा है, ठीक है। मैं वैसे मेरा दिल था मैं आलू मटर का पुलाव बनाऊँ लेकिन ना मटर इस टाइम पर अवेलेबल नहीं थे, तो इसी तरह से मैंने आलू डाल के पुलाव बनाया है। अच्छा एक चीज़ आप लोगों से शेयर करनी थी, मैं जो ना हर खानों में ना चुटकी भर कलवंजी और जो है ना चुटकी भर अजवाइन की लाजमी डालती हूँ। इससे जो है ना आप लोगों का खाना डाइजेस्ट हो जाता है, ये आप लोगों को डाइजेस्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल है। और दूसरा ये कि वेट लॉस के लिए भी जो है ना ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ठीक है। कलवंजी चुटकी भर और चुटकी भर मैं अजवाइन जो है इसमें डाल देती होती हूँ। ये जनाब मेरा पकौड़ों का मसाला जो है मैंने कर लिया है तैयार, अब मैं इसको करती हूँ मिक्स। और यहाँ पर जो है टैंग जूस वो भी रेडी हो गया। और यहाँ पे जो है पुलाव बनाऊँगी, साथ में पकौड़े फ्राई करूँगी और साथ में जूस होगा। कल के रोज़े में मैंने जो है चना चाट, दही बड़े, फ्रूट चाट, कल पहला रोज़ा था तो मैंने बहुत कुछ बनाया था। फिर हमारी फैमिली इतनी बड़ी नहीं है और इतना हम लोग शौक से बहुत ज़्यादा खाते भी नहीं है, बस उतना ही खाते हैं जितनी भूख को, बार बार ट्रिप्स नहीं लगती हम लोग के घर खाने की। तो फिर मैं जो हूँ ना बहुत ज़्यादा, फिर मैंने कहा मैं नहीं बनाती हूँ, फिर पता है खाना ज़ाया होता है। रिस्क कम बना लो, जितनी आंखों की भूख होती है वैसे फिर ऐवें इतना बच जाता है और फिर वो सब ज़ाया हो जाता है, क्योंकि फिर दोबारा हमने सहरी करनी होती है, वही हज़म नहीं होता कि हम दोबारा और दूसरा खा सकें। अच्छा जनाब पुलाव में मैंने पानी डाल के रख दिया है। जब पुलाव में मैं पानी डाल देती होती हूँ तो किन्नौर की ये वाली पुलाव सूप स्टॉक जो है ना, ये वाली क्यूब्स जो है मैं पानी के अंदर डाल देती होती हूँ, फिर इससे जो है ना टेस्ट बहुत अच्छा और बहुत मज़े का हो जाता है पुलाव का। तो अब पानी के अंदर मैं ये वाला जो है ना पुलाव का ये वाली क्यूब्स जो है ना ये मैं खोल के अब इसके अंदर ऐड कर दूँगी, बहुत टेस्टी हो जाएगा इससे पुलाव। अंदर से कुछ इस तरीके की दिखती है। अच्छा इसका टेस्ट, अगर आप लोगों ने चिकन नहीं डाला और आप चाह रहे हैं कि आपके राइस में जो है चिकन का टेस्ट आ जाए तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। इससे ना आपके जो चावल है ना उसके अंदर ना चिकन का टेस्ट आ जाता है। इसमें दो क्यूब्स होती है, मैं सिर्फ एक डालूंगी क्योंकि मैं चावल जो थोड़ी कम क्वान्टिटी में बना रही हूँ इसीलिए। और अगर आप क्यूब्स ज़्यादा कर देंगे तो इससे आपके चावलों में नमक भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि पता नहीं आई थिंक इसके अंदर नमक डाला होता है क्या, इसकी नमकियात बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा जनाब यहाँ मैं बनाने लगी हूँ अभी चटनी, ठीक है। पकौड़ों के साथ जो है ना चटनी बहुत मज़े की लगती है, धनिया पुदीने और हरी मिर्चों वाली ना, तो वो मैं साथ बनाती होती हूँ। और अगेन वेस्ट पॉइंट का ही छोटा सा चॉपर मैं यूज़ कर रही हूँ, इसमें बड़ी ज़बरदस्ती चटनी बन जाती है, ठीक है। अब मैं बनाती हूँ चटनी और यहाँ पर जो है पकौड़ों का मसाला हो गया है मेरा रेडी और यहाँ पर जो है पुलाव का जो पानी है वो मैंने रखा हुआ है पकने के लिए, ये पक रहा है बस जनाब। अब इसमें डालते हैं हम लोग चावल। अच्छा जनाब चावल मैंने इसमें डाल के रख दिए हैं, ये दही है मैंने निकाल लिया है बाहर और चटनी जो है मेरी हो गई ऑलमोस्ट रेडी। इस तरीके की देखें ज़बरदस्त बनी है। अब मैं जो इसमें से आधा दही अलग करूँगी और फिर उसमें वो चटनी ऐड कर दूँगी और फिर आधा जो है वो मैं शक्कर डाल के खाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा जनाब यहाँ पे हम करते हैं अफ्तारी और मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोग भी अफ्तारी करें बस जनाब, रोज़ा जो है वो खुलने लगा है, तैयारी मेरी हो गई, टेबल वेबल मैंने लगा दिया है और ये कल के जो दही बड़े और थोड़े से चने थे वो मैंने साथ रख लिए हैं। बस जी अल्लाह हाफिज़।